प्यार हुआ। दो पुत्र खुलियां चौकां दो। Guys are fine and welcome back with a new vlog. So अभी का वो सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं मैरी टाइम म्यूजियम और काफी ज्यादा मजा आएगा। आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देता अगर आप लोगों को मेरी ये सब कराची सीरीज और मैं जितने भी ब्लॉग्स अपलोड करूँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो काफी ज्यादा मजा आएगा, मैरी टाइम म्यूजियम में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमारे डिस्कवर करने के लिए क्या क्या, एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है और काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। म्यूजियम है, इधर एंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं ये म्यूजियम है, अभी एंट्री वहाँ से थी और अभी एंटर हुए हैं, अभी जाते हैं आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या इंजॉय है, क्या क्या फन है। म्यूजियम में एंटर होते साथ हमें जो है सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट नज़र आया है, देख सकते हैं अटलांटिक एयरक्राफ्ट है। अभी इसके अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं कि अंदर से किस तरह का है। एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे जो पायलट कैबिनेट है हम यहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं ये जो है एयरक्राफ्ट का पायलट कैबिनेट है और यहाँ पे दो सीट्स लगी हुई हैं और देख सकते हैं कितने ज़्यादा इधर बटन्स वगैरह लगे हुए हैं और कितने ज़्यादा इनमें फंक्शंस होंगे। हमारे सामने MK3 हेलीकॉप्टर जो है वो खड़ा हुआ है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत हेलीकॉप्टर है, ये जो है उसकी बैक साइड है और इसके अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो मैं जो है आपको इसको अंदर से भी दिखाता। दिस इज़ द म्यूजियम मैरी टाइम, अभी हम यहाँ पे एंटर होते हैं अंदर और फिर आपको आगे दिखाते हैं एंट्रेंस ऑफ मैरी टाइम म्यूजियम। After entering the museum, first of all we see the countries that are participating in Amman 23 and these are all the countries flags that are participating in Amman 2023 and this is the entrance of museum. मेराइन लाइफ गैलरी के अंदर जो है वो हम एंटर हो रहे हैं और देख सकते हैं इधर जो है हर टाइप की हर तरह की फ़िश है और ये जो है सारा यहाँ का म्यूज़ियम का जो है एक मैप सा बना हुआ है और दूसरी साइड पे ये जो है एक पेंटिंग सी बनी हुई है। सबसे पहले हमें जो है वो गोल्ड फिश देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं लगता है सारी छुपी हुई है इसके अंदर और इससे आगे स्कैट फिश है, स्कैट फिश है ये छोटी छोटी हैं इसके अंदर और बाकी बड़ी हैं बीच में और इससे आगे जो है बाला शार्क जो है वो है, देख सकते हैं बाला शार्क, ये इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, साथ ये है और इससे आगे एंजल फिश है, रोज़ बर्ब है। यहाँ पे जो है ये बड़ा एक्वेरियम पड़ा हुआ है और इसमें जो है काफ़ी सारी फिश हैं और एक फिश तो ये है, ये शीशा साफ़ कर रही है, देख सकते हैं आप ये फिश जो है शीशा साफ़ कर रही है और इसके अंदर और भी हैं काफ़ी सारी अलग अलग टाइप, अलग अलग ये जो है उल्टी ऊपर की तरफ इसने मुंह किया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी सारी फिश हैं इसमें, देख सकते हैं ये जो है शीशा साफ़ कर रही है। Yeah.
नाउ वी आर एंटर्ड इन स्पेस एंड आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम बना हुआ है, वर्ल्ड फॉर्म स्पेस बना हुआ है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है और यहाँ पे जो है ये नीचे मार्स, अर्थ और सारे प्लैनेट्स के जो है नेम्स लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है सोलर सिस्टम का जो है वो पूरा इन्होंने बताया हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि म्यूज़ियम के अंदर जो है जिम बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ म्यूज़ियम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए जिम बना हुआ है और आप यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी फ़िश का जो है वो स्केल्टन पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्केल्टन है और पूरे इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जगह ली हुई है, काफ़ी बड़ा स्केल्टन है। अभी हम म्यूज़ियम से जो है वो बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पानी शानी बना हुआ है और ये जो है एक बड़ी सारी जो है वो शिप है, काफ़ी बड़ी है ये, वो म्यूज़ियम था। अभी उधर से हम आ गए बाहर, अभी देखते हैं शिप के ऊपर अंदर, वहाँ ऊपर जाते हैं। ये जो है कुछ ऊपर से शिप है और देख सकते हैं ये सारा इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होकर बैठ देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एक थीम सी बनाई हुई, आगे पानी है और पीछे शिप है और काफ़ी मतलब अच्छा जो है इन्होंने एंटरटेन किया हुआ है और काफ़ी अच्छी जगह है। हम जो है लाइट हाउस के नीचे खड़े हुए हैं और अभी यहाँ स्टेयर से जो है इसके टॉप पे जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ से किस तरह का व्यू आता है इसका, वो काफ़ी ऊंचे ऊपर देख सकते हैं जाता जा रहा है जाता जा रहा है, मेरी फ़र्स्ट टाइम है लाइट हाउस में ऊपर जाने की, तो देखते हैं कि किस तरह का ये ऊपर से लगता है, साथ जो है वो काउंट करते जाते हैं। गाइस कुछ 100 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ म्यूज़ियम का ऊपर से। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम सब मरीन के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो अभी अंदर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये कुछ अंदर के मनाजिर हैं सब मरीन के और देख सकते हैं किस तरह जो है कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं और किस तरह लोग जो है वो महीना महीना दो दो महीना पानी के अंदर जो है वो रहते हैं सब मरीन के अंदर, और ये जो है तकरीबन महीना डेढ़ दो महीने और काफ़ी टाइम जो है वो पानी के अंदर ही रहती है ज़्यादा, एसी शेसी भी लगे हुए हैं सब मरीन के अंदर और देख सकते हैं हर तरफ मतलब हर तरफ कोई ना कोई फंक्शन है यहाँ पे, कोई ना कोई गियर लगा हुआ है, कोई ना कोई स्विचेस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ है हर तरफ यहाँ पे, देख सकते हैं गेजेस लगी हुई हैं, मतलब हर तरफ हर जगह कोई ना कोई फंक्शन है और एसी शेसी फुल चेंज माहौल हो रहा है यहाँ पर। सब मरीन का किचन है ये देख सकते हैं आप, इधर ही जो है वो लोग अपना खाना पकाते हैं, फ्रीज करते हैं, उसको दोबारा गर्म करते हैं, देख सकते हैं ये कूल रूम है और इधर जो है पूरा इनका खाना पीना सारा कुछ स्टोर होता है, फ्रिज है काफ़ी बड़ी फ्रिज है, कूल रूम इधर सारा खाना पीना स्टोर होता है और इधर ही पकाते हैं इधर ही खाते हैं, मतलब जितना भी अर्सा महीना दो महीना तीन महीने जितना भी अर्सा वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो खाना पकाते हैं और यहाँ से ही खाते हैं। आगे जाए ना वैसे सही पूरी वीडियो आ जाएगी। कबर्ड खोले, नहीं खोलती मैं लेस की पैकेट पड़ी थी वन
चलो छोड़ दें आ जाए। यहाँ पे सारे बेड्स वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ पे सोते हैं, और मैंने पीछे वहाँ पे कबर्ड खोली थी तो उधर जो है लेस पड़े हुए थे अंदर, तो मैंने फिर बंद कर दी। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह बेड्स लगे हुए हैं। ये सब मरीन की जो है वो फ्रंट वाली साइड है, और यहाँ पे सारे रॉकेट्स वगैरह और बॉम्ब्स वगैरह लगे हुए हैं जो फ्रंट पे एनिमीज़ को जो है वो मारते हैं। और जो ये सब मरीन है ये तकरीबन महीना डेढ़ दो जो है वो पानी के अंदर रहती है, और बिल्कुल ऊपर से मतलब नज़र नहीं आती, इस तरह पानी के अंदर रहती है। म्यूज़ियम से जो है वो हम डायरेक्ट निहारी खाने आ गए हैं, और हम जावेद निहारी पर आए हैं, और ये भी एक कराची की फेमस निहारियों वाले रेस्टोरेंट्स में से एक है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ, तो वेट कर रहे हैं बाहर कि कब कोई टेबल खाली होगा तो जाएं। निहारी जो है वो आ चुकी है, और अभी साथ हमने हलीम भी मंगवाई है, वो आ रही होगी, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि किस तरह की है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो गाइस रात को खाना चाना खा के हम घर वापस आ गए थे। एक मिनट एयरपोर्ट्स लगाए यार, कोई वाइफ शाही भाई। सो गाइस रात को खाना चाना खा के जो है वो हम घर वापस आ गए थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। पहले म्यूज़ियम में जो है थोड़ा बहुत बोर हो रहे थे, लेकिन जब हम सब मरीन में गए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है वहाँ पर। मतलब इतनी अलग चीज़ थी एक, कि पूरी पानी के अंदर वो सब मरीन चली जाती है और ऊपर से नज़र ही नहीं आती, और उधर लोग जो हैं वो दो दो तीन तीन माह तक पानी के अंदर रहते हैं, उनका खाना पीना वॉशरूम सोना बैठना जागना मतलब वो उधर ही रहते हैं। और सोच के बंदा हैरान हो जाता है, उधर लगा हुआ था टीवी और उसमें सारा वो दिखा रहे थे, वो आप बैठ के वहाँ पे देखते हैं, और बहुत अच्छा जगह थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अपना बैरियर टाउन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग है और उस पर जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को मेरी ये कराची सीरीज़ और मैं जितने भी ब्लॉग्स अपलोड करूँ उन सबकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।